तो दोस्तों जवान ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों में 700 करोड़ का आंकड़ा टच कर लिया है, जिसमें से इंडिया में इस फिल्म ने अब तक 400 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं क्योंकि जवान एक पैन इंडिया फिल्म थी जिसमें ज्यादातर टेक्नीशियन साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, सिर्फ टेक्नीशियन ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर एटली, म्यूजिक कम्पोजर अनिरुद्ध, एक्टर नयनतारा और विजय सेतुपति तमिल इंडस्ट्री से ही आते हैं, इसलिए साउथ मार्केट से कई बड़े दिग्गज लगातार इस फिल्म को देखने जा रहे हैं और अपना फीडबैक सोशल मीडिया के माध्यम से एटली और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को दे रहे हैं, खासकर शाहरुख खान को। इस फिल्म में शाहरुख खान को लेकर कई दिग्गजों ने गुड विशेस दिए हैं, जिनमें से ट्रिपल आर और बाहुबली के डायरेक्टर एसएस राजामौली, विक्रम के डायरेक्टर लोकेश कंगराज, रजनीकांत, महेश बाबू, कीर्ति सुरेश जैसे कलाकार शामिल हैं। वहीं अब तेलुगु एक्टर अल्लू अर्जुन ने भी हाल ही में ये फिल्म देख ली है और अपना रिएक्शन दिया है और इन सभी को लेकर शाहरुख खान ने भी आभार जताया है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स में भी जवान देखने को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है और टाइम मिलने पर कई सेलेब्स इस फिल्म को देखकर अपना रिएक्शन दे रहे हैं शाहरुख खान को। मोस्टली ज्यादातर सेलेब्स शाहरुख खान के इस नए अवतार से काफी ज्यादा इम्प्रेस है। वहीं अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो शुरुआती 4 दिनों के बाद जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज हो रही है, जो कि काफी कॉमन बात है। वहीं विदेशों में धुआंधार ओपनिंग वीकेंड के बाद फिल्म के कलेक्शन में 80-90% तक का ड्रॉप देखा जा रहा है। वहीं इंडिया में भी इस फिल्म को कई मार्केट से 60-70% तक गिर गए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोस्टली फैंस ने इस फिल्म को ओपनिंग वीकेंड पर ही देख लिया है। फिलहाल बीते मंडे के बाद से जवान को हर रोज 20 करोड़ के आसपास का कलेक्शन मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा नंबर है। फिल्म को सैटरडे और संडे की कलेक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इन 2 दिनों में फिल्म 50-60 करोड़ का भी कलेक्शन कर सकती है, जिससे इस फिल्म का कलेक्शन 450 करोड़ के पार हो जाने वाला है, जो कि किसी भी हिंदी फिल्म के लिए एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन होगा। गाइज, अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसी खबरें सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।